अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। ये जो क्वेश्चन है कार्नट इंजन से रिलेटेड है। अभी तक हम लोग दो क्वेश्चन जो है कार्नट इंजन से रिलेटेड कर चुके हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है जो कि इस बार मेंस में पूछा गया है, है ना। कहा गया है कार्नट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी 1/10 इज बीइंग यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेटर। इफ द वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेटर इज 10 जूल, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर इज। एक्चुअली में हीट इंजन का जस्ट उल्टा जो है रेफ्रिजरेटर वर्क करता है, है ना। जैसे हीट इंजन में क्या करते हैं, अगर ये हायर टेम्परेचर का रिजर्वायर है तो यहाँ से हीट एनर्जी जो है वो लेता है ये, ठीक। और लोअर टेम्परेचर का जो रिजर्वायर होता है इसमें QL एनर्जी देता है और ये बाहर कुछ वर्क करता है, ठीक है। हीट इंजन में ऐसा होता है यहाँ से एनर्जी लेते हैं, कुछ वर्क करता है इंजन और कुछ रिजेक्ट कर देता है। रेफ्रिजरेटर इसको उल्टा चलता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि लोअर टेम्परेचर वाले से एनर्जी लेता है, इस पर कुछ वर्क करना पड़ता है ऐसे, है ना। यहाँ से एनर्जी लेता है QL, इस पर कुछ एक्सटर्नल बाहर से वर्क करना पड़ता है और तब जा करके ये जो हायर टेम्परेचर का रिजर्वायर है उसमें एनर्जी ये फेंकता है इधर से, ठीक। तो QL, QH और W का जो रिलेशन है वो हीट इंजन में हो या रेफ्रिजरेटर में हो एक जैसा ही है, लेकिन हीट इंजन के लिए इफिशियंसी डिफाइन करते हैं और रेफ्रिजरेटर के लिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन करते हैं। तो हीट इंजन का इफिशियंसी दिया हुआ है, इसको हम लोग लिखते हैं वर्क डन डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड, है ना। ये हीट सप्लाइड होता है यहाँ पर, और रेफ्रिजरेटर केस में ये हीट रिजेक्टेड होता है ना। तो डेल्टा डब्ल्यू, अगर एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो ये एनर्जी लिया, इतना वर्क हुआ, दोनों जोड़ेंगे तो उसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि जो QH है वो होना चाहिए QL प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ पर रख सकते हैं QH के जगह पर QL प्लस डेल्टा डब्ल्यू, है ना। हीट इंजन केस में क्या होता है, ये वर्क डन बाय सिस्टम होता है, वर्क डन बाय इंजन, और ये होता है हीट सप्लाइड फ्रॉम सोर्स। सोर्स मतलब हाई टेम्परेचर वाला जो ये सप्लाई करता है, ठीक। इसके केस में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर केस में ये उल्टा इस पर वर्क करना पड़ता है, इतना ही वर्क करना पड़ता है, और एनर्जी कहाँ से लेता है, वहाँ से नहीं लेता, यहाँ से लेता है ना। तो यहाँ से एनर्जी इसने लिया है, इसमें पूछा गया है कि कितना एनर्जी ये लेगा, कितना एब्जॉर्ब करता है लोअर टेम्परेचर वाले से, तो QL का वैल्यू निकालना है। अब डेल्टा डब्ल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 10 जूल, ये दिया गया है 10 जूल, QL प्लस 10 जूल, और हीट इंजन का एफिशिएंसी दिया गया है 1/10। तो यहाँ से हम लोग QL का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखेंगे ये आएगा QL प्लस 10 इज इक्वल टू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो यहाँ से QL का वैल्यू आ गया 100 - 10 यानी कि 90 जूल। तो देखेंगे थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है।